अरविंद केजरीवाल की पार्टी में फिर कलह शुरू हो गई है। इस बार तो बच्चों वाला खेल चल रहा है, मानो विधायक विधायक नहीं दोस्त यार हों। व्हाट्सएप पर बहसा बहसी हुई और फिर से दिलीप पांडे ने अलका लांबा को विधायकों वाले ग्रुप से भगा दिया। इससे पहले भी केजरीवाल ने ऐसा ही करवाया था, जब अलका लांबा ने सवाल पूछने शुरू किए थे तो उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया गया था। और इस बार फिर जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में करारी हार की, गलतियों पर चर्चा की मांग की, तो उन्हें ग्रुप से खदेड़ दिया गया। क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अगर गलती पर चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहले वही फंसेंगे। अलका लांबा ने कहा था कि पार्टी को भी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से सीखना चाहिए, और जैसे नवीन पटनायक अपने राज्य पर फोकस करते हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल को गरम गरम खाने की आदत है तो मुंह तो जला ही लेते हैं, और जब कोई सही रास्ता दिखाए तो बौखला जाते हैं। अलका लांबा को केजरीवाल अगली बार टिकट देने से रहे, इसलिए वो भी तैयार हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएंगी। लेकिन केजरीवाल की मुसीबत ये नहीं कि सिर्फ अलका लांबा ही पार्टी से अलग होंगी, मुसीबत तो ये भी है कि कई नेता विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल भी अब पैसे लेकर टिकट बेचते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी खबर भी आई, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी हो सकता है यही सब चले, मतलब जो पैसा देगा उसे टिकट मिलेगा। उसूलों और सिद्धांतों को केजरीवाल पहले ही साइड में रख चुके हैं। अब आप इंतजार करते रहिए कि संविधान की कसम खाकर लोगों के साथ फरेब करके आंदोलन की आड़ लेकर जो केजरीवाल सियासत में आए थे, उनका आखिरी दिन कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।